अफजल खान का वध करने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने पन्हालगढ़ पर भी हिंदवी स्वराज्य का केसरिया ध्वज फहरा अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। अफजल खान के वध से विचलित और अत्यंत क्रोधित दक्कन की आदिलशाही सल्तनत ने मुगल सल्तनत के साथ हाथ मिला दिया। दोनों का एक ही उद्देश्य, शिवाजी को जिंदा या मृत पकड़ना और राष्ट्र में फैली हुई स्वराज्य की आग को राख में बदलना, और इसके लिए उन्होंने कई योजनाएं बनाई। एक ओर पश्चिम में मुगलों ने विशाल सेना के साथ आक्रमण कर अत्यंत महत्वपूर्ण पुणे के किले पर कब्जा कर लिया था, और दूसरी ओर शिवाजी के पन्हालगढ़ पर होने की खबर पुख्ता कर आदिलशाही सेनापति सिद्दी जौहर और फजल खान ने मार्च 1660 में 40,000 की फौज के साथ पन्हालगढ़ को चारों ओर से घेर लिया। पन्हालगढ़ किले के आसपास के किलों को भी आदिलशाही सरदारों ने घेर रखा था ताकि शिवाजी महाराज वहां पर भी पहुंच ना सके। पन्हालगढ़ पर शिवाजी की छोटी सी सेना भी किले की भौगोलिक स्थिति और ऊपर के स्थान पर होने के कारण तलहटी में स्थित विशाल आदिलशाही सेना पर भारी पड़ रही थी, परंतु इतनी विशाल सेना के साथ खुले युद्ध में उतरने पर शिवाजी की हार भी निश्चित ही थी। ऊपर से एक अंग्रेज व्यापारी हेनरी ने तोपे और गोला बारूद के विषय में शिवाजी के साथ सिर्फ 1.5 माह पूर्व किए गए करार को तोड़कर सिद्दी जौहर से जा मिला और शिवाजी के साथ विश्वासघात किया, और उसकी विशाल तोपे पन्हालगढ़ की तलहटी पर आ पहुंचे। ऐसी स्थिति में शिवाजी को मात्र एक आशा थी, नेताजी पालकर। राजगढ़ से नेताजी पालकर भी अपनी सेना के साथ शिवाजी की मदद के लिए पहुंचे, परंतु निरंतर युद्ध लड़ती और 50 कोस की दूरी काट कर आई थकी हुई तथा संख्या में 1/4 से भी कम सेना पर सिद्दी जौहर की सेना हावी हो गई और नेताजी को वहां से भागना पड़ा, और शिवाजी की एक आशा भी टूट गई। सिद्दी ने घेराबंदी और सख्त कर दी और लगभग 4 माह से वहां पर डटी हुई थी, जिसकी वजह से किले पर चारा, अनाज और शस्त्रों की भारी कमी होने लगी थी। अब शिवाजी के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, एक स्वयं सिद्दी जौहर के सामने आत्मसमर्पण करें या फिर खुला युद्ध। दोनों ही स्थिति में शिवाजी की पराजय ही होती, और यह बात शिवाजी को अच्छी तरह ज्ञात थी। तब शिवाजी महाराज ने अत्यंत जोखिम से भरपूर एक योजना बनाई और अपने कुछ अत्यंत विश्वसनीय साथियों को बुलाया, जिसमें एक थे बाजी, हिडरस मावल प्रांत का बाजी प्रभु देश पांडे, सुदृढ़ सख्त भारी भरखम देहधारी, जो 20 से 22 घंटों तक कड़ी मेहनत करने की क्षमता रखता था, दोनों हाथों से तलवारबाजी में माहिर। पिताजी के बाद बाजी प्रभु और छोटे भाई फुलाजी देश पांडे हिडरस की एक जागीर के दीवान थे, पर उस जागीर का जागीरदार कृष्णाजी देशमुख बांदल शिवाजी महाराज और उनके पिताजी शाहजी का घोर विरोधी था, जिसको शिवाजी ने युद्ध में हरा कर उसकी जागीर पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। शिवाजी की आंखों की नम्रता, निस्वार्थता तथा हिंदवी स्वराज्य का दृढ़ निश्चय बाजी को मराठा सेना से जुड़ने से रोक नहीं पाया, और दोनों भाई शिवाजी की सेना में समर्पण के साथ कार्यरत हो गए थे। अफजल खान की वध की योजना के लिए भी शिवाजी महाराज को युद्धाभ्यास के लिए लंबे चौड़े पहलवानों को बाजी ने ही उपलब्ध करवाए थे, ताकि अफजल के साथ भेंट के समय किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। 11 जुलाई वर्ष 1660 शिवाजी महाराज ने अषाढ़ शुक्ल पक्ष 14 की रात्रि को बाजी, फुलाजी, गंगाधर पंत जी, त्र्यंबक पंत जैसे अपने अत्यंत विश्वसनीय लोगों के साथ मंत्रणा कर एक अत्यंत जोखिम भरी योजना को अमल में रखने का निश्चय किया, और मराठा वीर अपने प्राणों की भी परवाह किए बिना उनका साथ देने के लिए उठ खड़े हुए। योजना के अनुसार शिवाजी ने उनके कूटनीतिज्ञ विशेषज्ञ गंगाधर पंत के साथ सिद्दी जौहर को संदेशा भिजवाया कि शिवाजी महाराज बिना शर्त आत्मसमर्पण करेंगे। गंगाधर पंत की प्रस्तुति और नम्रता देख सिद्दी जौहर ने प्रस्ताव मान्य रखा। त्र्यंबक पंत जी को पन्हालगढ़ की जिम्मेदारी सौंप सिद्दी के अभेद्य घेरे में से एक दरार ढूंढ शिवाजी अपने 600 साथियों के साथ किले से भाग निकले। 12 जुलाई 1660 अषाढ़ माह की पूर्णिमा की रात्रि, भरपूर बारिश, जोरों की हवा, झाड़ियों, कीचड़, पहाड़ों की दरारें, पानी का प्रवाह जैसे अनेकों अवरोधों के बावजूद भी
शिवाजी और उनके साथी सिद्धि का घेरा तोड़ निकलने में सक्षम रहे, परंतु अभी भी दुश्मनों का खतरा टला नहीं था। 20 कोस की दूरी अभी भी काटनी थी और मावले अपने शिवाजी को पालकी में ले होठ भीड़े हुए चल रहे थे। उस बीच अचानक से कुछ दुश्मन सैनिकों ने धावा बोल दिया। उन्होंने पूछा, पालकी में कौन है? उत्तर आया, शिवाजी। और पालकी को तुरंत ही सिद्धि के समक्ष पेश किया गया। शिवाजी पालकी से उतरे और सिद्धि समेत सबके चेहरे के रंग फीके पड़ने लगे। वे शिवाजी नहीं बल्कि उनके ही भेष में उनके हमशक्ल शिवानाई थे। छत्रपति शिवाजी तो सिद्धि को चकमा देकर विशालगढ़ की ओर कूच कर चुके थे। सिद्धि जौहर ने आग बबूला हो शिवानाई को मृत्यु दंड दिया। शिवानाई ने स्वेच्छा से इस कार्य को कर आत्म बलिदान दिया, ताकि स्वराज्य के लिए जान हथेली पर लिए निकले 600 मराठा वीरों को कुछ अत्यंत कीमती समय मिल सके। स्वराज्य के सपने को जीने के लिए ऐसे कितने लोगों ने अपना रक्त बहाया होगा। अब सिद्धि ने अपनी सेना को टुकड़ों में बांट शिवाजी को ढूंढने के लिए चारों ओर दौड़ाया और शत्रु सेना टुकड़ी की निकट आने की भनक लगने पर बाजी ने शिवाजी से कहा, महाराज आप आगे बढ़े, मैं इनको बीच में ही रोक कर रखूंगा। शिवाजी ने गंभीर स्वरों में कहा, बाजी आपके प्राण भी जा सकते हैं। तब बाजी बोले, स्वराज्य के आगे मेरे जैसे लोगों के प्राणों का कोई मोल नहीं, परंतु स्वराज्य की नींव प्रजा का पालनहार जीवित रहना चाहिए। अंतिम प्रणाम कर बाजी बोले, महाराज आप विशालगढ़ सुरक्षित पहुंचने के बाद 3 तोपों की आवाजों के साथ संकेत दे दीजिएगा, तब तक मैं उनके सामने दुर्ग के भांति खड़ा रहूंगा। शत्रु की फौज बहुत बड़ी है महाराज, आप यहाँ से शीघ्र निकले। शिवाजी ने भारी हृदय से उस प्रस्ताव का स्वीकार कर वे 300 मराठा वीरों के साथ आगे बढ़े और बाजी प्रभु उनके भाई फुलाजी के साथ 300 मराठा वीर वही गजापुर के दर्रे खिंडी के पास डटे रहे। खिंड चारों तरफ ऊंचे पत्थरों से घिरा हुआ एक ऐसा मार्ग बाजी ने योजना पूर्वक सुनिश्चित किया, ऐसा मार्ग जहां चौड़ाई कम होने के कारण कई शत्रु सैनिक एक साथ आगे न बढ़ पाए। बाजी ने अपने साथियों को टुकड़ियों में बांट एक के बाद एक कुछ अंतर पर स्थान ले घेरा कर लिया। दुश्मन सेना की संख्या मराठों से 40 गुना अधिक थी, पर फिर भी स्वराज्य की रक्षा के लिए 300 मराठा वीरों ने हर हर महादेव के नारे के साथ ऐसा युद्ध तांडव शुरू किया कि मानो स्वयं शिव ही जमीन पर उतरे हो। कोई भी शत्रु मराठों के घेरे में खड़े 6 फुट के भारी भरखम देहधारी मजबूत बाहुबली बाजी का दुर्ग भेद नहीं पा रहा था। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में दांड पट्टा लिए खड़े बाजी के सामने कुदरत की आंधी तूफान भी फीकी पड़ रही थी। स्वयं रक्त में नहाते हुए दुश्मनों के सर फोड़ते बाजी का ऐसा स्वरूप देख दुश्मन उन्हें राक्षस कहने लगे। उस ओर शिवाजी राजे विशालगढ़ पहुंचे, परंतु आदिलशाही सरदार सूर्वे ने किले की तलहटी में घेरा कर रखा था, पर पूरी ताकत से शिवाजी महाराज और 300 मराठा उस आदिलशाही सेना पर टूट पड़े। निरंतर 20-22 घंटों से युद्ध में शत्रु का काल बन के डटे हुए परंतु अनेक घावों से बह रहे रक्त से सजे हुए बाजी को अब विशालगढ़ से 3 तोपों की आवाज सुनने की प्रतीक्षा थी और महाराज को बाजी और फुलाजी को मिलने की। 13 जुलाई लगभग संध्या के 6 बजे विशालगढ़ से तोपों की आवाज उनके कानों पर टकराई और होठों पे सहज स्मित उभर आया। दुश्मनों का एक और प्रहार हुआ और बाजी की छाती से रक्त का पाट बह निकला, पर वह शेर हृदय में संतोष निश्चिंतता और मुख पर स्मित रख बाजी धरती माँ से लिपट गया। वह वीर मृत्यु की ओर जा रहा था, परंतु स्वराज्य का सपना अभी भी जीवंत था। महाराज पालनहार विशालगढ़ में सुरक्षित थे और गजापुर का दर्रा मराठा वीरों के रक्त में स्नान कर पावन हो गया और पावन खिंड से जाना गया। आज भी उस पावन भूमि में सुगंध है बाजी के रक्त की, मिट्टी के स्पर्श से अनुभव होता बाजी के स्वराज्य प्रेम का और दर्रे के पत्थरों से टकराती हवा में गूंजती एक ही आवाज उन मर्द मराठाओं के महामंत्र उद्घोष की, हर हर महादेव, हर हर महादेव।